तो यार राइजन 3 3100 और 3300X आ चुका है और दोनों ही Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं और एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस लेकर आने वाले हैं और इनसे बहुत उम्मीद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी स्पेक्स की। तो इनकी स्पेक्स है तो दोनों में ही 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स हैं। राइजन 3 3100 की जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 GHz, बूस्ट है 3.9, और जो 3300X की बेस है वो है 3.8 और जो बूस्ट है वो है 4.3, और इन दोनों में ही 65 वॉट्स की TDP है और दोनों की PCIe 4.2 सपोर्ट करते हैं। और इनकी जो कैश है तो इनमें लेवल 3 की 16 MB की कैश भी है और दोनों के प्राइसेस में ज्यादा फर्क भी नहीं है। एक की प्राइस है $99 और एक की है $119, मतलब कि करीब 7500 रुपए 3100 के लिए और करीब 9000 रुपए 3300X के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि यार इन दोनों में ही 4 कोर्स हैं, दोनों में ही 8 थ्रेड्स हैं और इनकी क्लॉक स्पीड्स में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हम उसको ओवरक्लॉक करके बराबर कर सकते हैं, तो फिर इनमें 1500 रुपए का फर्क क्यों है और कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों प्रोसेसर्स है ना, इनमें 8 कोर्स है लेकिन AMD ने इनमें 4 कोर डिसेबल कर रखे हैं, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि मान लो एक घर है, उसके अंदर 8 कमरे हैं लेकिन 4 कमरे मकान मालिक ने बंद कर दिए तो आप सिर्फ 4 यूज कर सकते हो, तो वो वाला हाल इनपे है। तो ये ओरिजिनली 8 कोर्स वाली डाइस है लेकिन इनपे सिर्फ 4 कोर्स ही एक्टिव है तो आप सिर्फ 4 यूज कर सकते हो। तो अब इनमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि इनमें ओरिजिनली तो 8 कोर्स है, अब वो 8 कोर्स है अलग अलग CCX पे। मतलब ऐसा समझ लो कि एक घर है, उसपे एक तो ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे और फर्स्ट फ्लोर पे 4 कमरे। तो जो 3300X है ना, उसमें ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर वाले 4 कमरे उसको दे दिए, 4 कोर्स है तो ग्राउंड फ्लोर वाले 4 कमरे उसको दे दिए। लेकिन जो 3100X है ना, उसमें भी 4 कोर्स है लेकिन उसमें ऐसा किया कि उसको ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरे दिए और फर्स्ट फ्लोर के 2 कमरे दिए। तो अगर उसको नीचे वाले कमरों से ऊपर वालों में जाना है तो उसको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा जिसमें कि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, समझ रहे हो? तो सेम फॉर्मूला 3100 और 3300X में भी है। 3300X में जो 4 कोर्स है वो एक ही CCX पे, जिससे उनका कम्युनिकेशन बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन जो 3100 में 4 कोर्स है वो अलग अलग CCX पे, मतलब कि अलग अलग लेवल पे है, जिससे कि उनके कम्युनिकेशन में थोड़ी ज्यादा लेटेंसी है। और जो 3100 की लेटेंसी है वो 3300X से बहुत ज्यादा है। साफ सी बात है यार, किसी को सीढ़ियों से होकर ऊपर जाना पड़ेगा फिर वापस नीचे आना पड़ेगा तो उसका काम मुश्किल है। कितनी मेहनत लग गई ना यार, आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ। वहीं पे अगर एक ग्राउंड फ्लोर पे आपको 4 कमरे दे दिए तो इस कमरे से उस कमरे में जाना बहुत आसान हो गया। तो AMD ने इन दोनों की परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क रखने के लिए ये सिस्टम किया है, समझ रहे हो? बाकी इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है क्लॉक स्पीड को छोड़ के। और ये जो नए एंट्री लेवल CPUs हैं, इनके लिए एक नया चिपसेट भी आया है जो कि है 550, B550। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले B450 था, तो अब B550 है। इसमें आपको PCIe 4.0 का सपोर्ट मिलता है। तो इंटेल के एंट्री लेवल में तो 4.0 है ही नहीं लेकिन आपको यहाँ पे 4.2 मिल रहा है, तो बहुत सही चीज है। तो पुराने मदरबोर्ड्स पे इसको आप यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ एक बायोस अपडेट करना होगा। लेकिन जो नया B550 चिपसेट है, क्या आप उसपे पुराने CPUs को यूज कर सकते हो? जैसे कि 3200G या 3400G तो टेक्निकली तो यूज कर सकते हो क्योंकि AM4 सॉकेट ही है, लेकिन सारे वेंडर्स सपोर्ट नहीं करेंगे ये। जैसे कि MSI, Gigabyte, Asus, Asus में भी दो है, ROG और ASRock। तो ये वेंडर पे डिपेंड करता है कि क्या वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सपोर्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो हो जाएगा, नहीं करता तो नहीं होगा। तो आपको एक बार उसकी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। अब देखो यार, जब ये इंडिया में आते हैं तो इनकी प्राइसिंग क्या होती है, और मेरे को तो ऐसा लगा है कि इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। तो अगर इनकी US प्राइसिंग देखें तो 7500 और 9000 रुपए है, तो अगर हम इंडिया में देखें तो इनकी प्राइस 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ सकती है। तो जो 3100 है वो आपको देखने को मिल सकता है 9000 तक, और जो 3300X है वो आपको देखने को मिल सकता है 10,500 से 11,000 रुपए तक। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं इनको इंटेल के एंट्री लेवल CPU से कंपेयर करूंगा। अब आप मुझे बताओ कि आप इनका कंपैरिजन कौन से CPU के साथ देखना चाहते हो।